हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर फाइव है प्लेन ज्योमेट्री एंड एंगल। तो मैं पहले आपको एंगल बता देता हूँ, एंगल क्या होता है। देखो, सपोज एक पॉइंट है, उस पॉइंट से दो रेज निकल रही है। इस पॉइंट का नाम दे दिया ओ, यहाँ पे ए और ये बी, ठीक है। तो इन दोनों रेज के बीच में जो एंगल होगा, इन दोनों रेज के बीच में जो भी चीज होगी उसे क्या बोलेंगे अपन, एंगल, ठीक है। फॉर एग्जांपल, ये जैसे ये लाइन निकली, इस पॉइंट से यहाँ निकली एक लाइन, यहाँ निकली एक लाइन, इसको ओ ए बी सी डी। तो देखो, ये पॉइंट हो गया ओ, उससे दो रेज निकली, तो इन दोनों के बीच में क्या होगा, एक एंगल होगा। इसको अपन एंगल नंबर वन दे देते हैं। अब ये दोनों रेज है, इन दोनों के बीच में क्या होगा, एक एंगल होगा, उसे क्या देते हैं, टू नंबर। ये भी क्या होगा, एक एंगल। और देखो, ये दोनों रेज है, यहाँ पे भी क्या होगा, एक एंगल होगा। तो देखो, कोई भी एक लाइन रेफरेंस लेके दूसरी रे की तरफ जो एंगल बनता है उसे क्या बोलेंगे, एंगल बोलेंगे। और देखो, ये क्लॉकवाइज भी हो सकता है, एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकता है, या कोई और डायरेक्शन में भी हो सकता है। फिर आती है, देखो इसमें एक थ्योरम आती है, 5.1। उस थ्योरम में ऐसा बोलते हैं कि अगर कोई भी दो रेज है वो इंटरसेक्ट कर रही है, अगर कोई भी दो रेज या लाइंस, रेज नहीं लाइंस बोलेंगे, अगर दो लाइंस इंटरसेक्ट कर रही है तो जो ऑपोजिट एंगल होंगे वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा, थीटा। ये क्या है, थ्योरम 5.1, ठीक है। इफ टू लाइन इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट देन ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। तो ये एंगल और ये एंगल भी क्या होगा, बराबर होगा, ये एंगल इसके बराबर होगा, ठीक है। तो ये थ्योरम क्या लिखती है, क्या बोलती है, इफ टू लाइंस इंटरसेक्ट एट एनी पॉइंट देन ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, देन ऑपोजिट एंगल आर इक्वल, ठीक है। तो अब अपन एक दो क्वेश्चंस करेंगे और जहां पे ये थ्योरम काम आएगी वहां पे अपन यूज करेंगे। और देखो, एक और टर्म आएगा लीनियर पैर, ठीक है, एक टर्म आएगा लीनियर पैर। लीनियर पैर का देखो क्या मतलब होता है, लीनियर पैर का ये मतलब होता है कि कोई भी दो एंगल का सम क्या हो, 180 डिग्री। सम ऑफ टू एंगल इज 180 डिग्री, ठीक है। और सप्लीमेंट्री एंगल का भी यही मतलब होता है, किसका, सप्लीमेंट्री एंगल का यही मतलब होता है। सप्लीमेंट्री एंगल का भी सेम ही मतलब होता है ये वाला, एज इट इज, कि सम ऑफ टू एंगल्स इज 180 डिग्री। मतलब कोई भी दो एंगल गिवन है, जैसे ये स्ट्रेट लाइन है, उसमें बोला है कि ये वन एंगल नंबर वन, ये एंगल नंबर टू, ये दोनों लीनियर पैर गिवन है। मतलब इन दोनों का सम क्या होगा, एंगल वन प्लस एंगल टू का सम क्या होगा, 180 डिग्री होगा, ठीक है। और एक चीज और है जो ध्यान में रखने वाली है, किसी भी पॉइंट के ऊपर टोटल एंगल, जैसे ये पॉइंट मान लिया अपन ने, ठीक है, इस पॉइंट में जो टोटल एंगल्स बन रहे हैं उनका सम कितना होगा, 360 डिग्री होगा। क्या, एट एनी पॉइंट सम ऑफ ऑल एंगल्स इज 180 डिग्री। मतलब जितने भी एंगल्स बन रहे हैं उन सब का सम कितना होगा, 360 डिग्री। मतलब जैसे ये थीटा, इसको सपोज अपन फाइव ले लेते हैं, इसको भी फाइव ले लेते हैं, तो देखो कितने एंगल बन रहे हैं, यहाँ पे चार एंगल बन रहे हैं, थीटा फाइव प्लस थीटा प्लस फाइव प्लस थीटा, इन सब का सम कितना होगा, 360 डिग्री होगा। तो ये दो तीन चीजें हैं जो इस चैप्टर में काफी काम आएगी। तो अब अपन क्वेश्चंस देखते हैं। हाँ, तो देखो पहला क्वेश्चन क्या है, इफ एंगल वन एंड एंगल टू आर लीनियर पेयर एंड एंगल टू माइनस एंगल वन इज 18 डिग्री, देन फाइंड एंगल वन एंड एंगल टू। तो अपन को क्या गिवन है, एंगल वन और एंगल टू क्या है, लीनियर पेयर। तो देखो, अभी मैंने बताया था कि लीनियर पेयर का क्या मतलब होता है, लीनियर पेयर का ये मतलब होता है कि उन दोनों एंगल का सम क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। मतलब एंगल 1 प्लस एंगल 2 का सम कितना हो जाएगा, 180 डिग्री।
नेक्स्ट चीज क्या गिवन है, एंगल 2 माइनस एंगल 1 इज 18 डिग्री, तो लिख दो भाई एंगल 2 माइनस एंगल 1 इज इक्वल टू 18 डिग्री। ठीक है, अब अपन को फाइंड करना है एंगल 1 और एंगल 2। तो देखो अपने पास दो इक्वेशन है, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल देते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल देते हैं। दो इक्वेशन, दो अननोन सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, क्या करो इन दोनों को ऐड कर दो। ठीक है, ऐड करेंगे तो देखो यहाँ पे 1 क्या है प्लस का, यहाँ पे क्या है माइनस का, तो प्लस माइनस माइनस तो आ जाएगा 0, प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 2 तो 2 टाइम एंगल 2 इज इक्वल टू 180 में 18 ऐड करेंगे तो 198 डिग्री। तो एंगल 2 की वैल्यू क्या आ जाएगी 198 डिग्री बाय 2, तो एंगल 2 की वैल्यू आ जाएगी 99 डिग्री। अब एंगल 2 आ गया, अब किसी भी इक्वेशन में आप एंगल 2 की वैल्यू पुट कर दो तो अपना एंगल 1 आ जाएगा। अपन फर्स्ट इक्वेशन में पुट करते हैं, एंगल 1 प्लस एंगल 2 कितना है 99 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। देखो एंगल 1 कितना आ जाएगा, इसको प्लस का इधर आएगा तो माइनस का 180 डिग्री माइनस 99 डिग्री, 180 डिग्री में से 99 जाएंगे तो कितने बचेंगे 89 डिग्री, अपना आंसर आ जाएगा। तो एंगल 1 कितना आ गया 89 डिग्री, एंगल 2 कितना आ गया 99 डिग्री। और देखो ये इस क्वेश्चन में पूछा गया था, तो देखो अपन ने क्या किया, पहले तो लीनियर पेयर की डेफिनेशन थी वो यूज कर ली, दूसरी कंडीशन क्वेश्चन में गिवन थी, फिर अपन ने दोनों इक्वेशन को ऐड कर लिया, ऐड करने से अपने पास एंगल 2 की वैल्यू आ गई, फिर एंगल 2 की वैल्यू अपन ने किस में पुट कर दी एंगल फर्स्ट इक्वेशन में, तो अपने पास एंगल 1 की वैल्यू आ गई। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये गिवन है कि ये जो भी डायग्राम है इसके अंदर अपन को क्या फाइंड करना है, सारे एंगल्स फाइंड करने हैं। तो देखो कैसे फाइंड करेंगे, देखो एक ओ पॉइंट गिवन है, तो ईओए कितना गिवन है अपन को 100, ये अपन को गिवन है वाई, ये गिवन है 2y, वाई कौन सा एंगल है एओबी वाला वाई है, बीओसी वाला 2y, सीओडी वाला 4y, डीओई वाला 6y। ठीक है, अब अपन को क्या फाइंड करने हैं, एंगल्स फाइंड करने हैं। ठीक है, तो कर लेते हैं फाइंड, देखो कैसे फाइंड करेंगे। अपन ने अभी अभी एक चीज पढ़ी थी, क्या चीज पढ़ी थी कि किसी भी पॉइंट के ऊपर टोटल एंगल का सम कितना होता है 360 डिग्री। तो देखो अपन लिख देंगे, यहां से शुरू होते हैं अपन, पहला एंगल कितना है y, दूसरा एंगल कितना है 2y, तीसरा एंगल कितना है 4y, चौथा एंगल कितना है 6y, पांचवा एंगल कितना है 100 इज इक्वल टू 360 डिग्री। टोटल एंगल कितना हो जाएगा 360 डिग्री, तो y प्लस 2y प्लस 4y प्लस 6y इनको ऐड करते हैं तो 6 4 10 10 प्लस 2 12 12 और 1 13y प्लस 100 इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो 13y की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये इधर प्लस का इधर आएगा तो माइनस का, तो 360 डिग्री माइनस 100 डिग्री, तो 13y की वैल्यू आ जाएगी 260 डिग्री। अब ये इधर मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, तो अपना आंसर आ जाएगा 20 डिग्री। तो y की वैल्यू कितनी आ गई 20 डिग्री, तो अपन लिख देंगे एंगल AOB इज इक्वल टू 20 डिग्री। अब एंगल BOC कितना है, एंगल BOC है 2y और y की वैल्यू कितनी आ गई 20, तो 20 * 2 कितना हो जाएगा 40 डिग्री। अब आ जाएगा एंगल COD, एंगल COD इज इक्वल टू 4y, y की वैल्यू कितनी है 20, 20 * 4 80 डिग्री। ठीक है, अब अगला एंगल हो जाएगा DOE, तो एंगल DOE इज इक्वल टू 6y और y की वैल्यू कितनी है 20 डिग्री, तो 6 * 20 हो जाएगा 120 डिग्री। तो अपन ने इस तरीके से सारे एंगल फाइंड कर लिए, बस अपन ने एक प्रॉपर्टी यूज करी कि किसी भी पॉइंट पे टोटल एंगल्स का सम कितना होता है 360 डिग्री, और उसको सॉल्व करते गए और अपने सारे एंगल्स आ गए। हाँ, तो देखो अगला क्वेश्चन क्या गिवन है, फाइंड ऑल दी एंगल्स, मतलब एंगल एक्स, एंगल वाई और एंगल जेड की अपन को क्या फाइंड करनी है, वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखो कैसे फाइंड करेंगे, देखो अपन ने अभी अभी एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, थ्योरम नंबर 1, प्रॉपर्टी नहीं थ्योरम पढ़ा था, कि अगर कोई भी दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही है तो जो ऑपोजिट एंगल होंगे वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो देखो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, अगर ये दोनों ऑपोजिट एंगल है तो वाई की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी 140 डिग्री के बराबर, क्योंकि ये दोनों क्या है ऑपोजिट एंगल, तो अपन लिख देंगे रीजन क्या है ऑपोजिट एंगल्स। ठीक है, तो अगला समझ जाएगा कि भाई तुमने कौन सी थ्योरम यूज करी। ठीक है, अब एक बात बताओ, ये एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन है और ये एंगल एक्स है और ये एंगल 140 डिग्री है, तो अपन को पता है एक स्ट्रेट लाइन में कंप्लीट
वन साइड में कितना एंगल बनता है 180 डिग्री, तो अपन क्या लिख देंगे कि x प्लस 140 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। और ये क्या है, लीनियर पैर। लीनियर पैर मतलब कि एक स्ट्रेट लाइन के अंदर टोटल एंगल एक साइड में 180 डिग्री होता है, जो अपन ने प्रॉपर्टी अभी अभी पढ़ी है। तो देखो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 180 डिग्री माइनस 140 डिग्री, तो x की वैल्यू आ जाएगी 40 डिग्री। ठीक है, अब देखो x की वैल्यू आ गई। अब अपन ने एक प्रॉपर्टी और पढ़ी थी, क्या थ्योरम पढ़ी थी कि अगर दो लाइन इंटरसेक्ट करती है तो ऑपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो x अगर 40 डिग्री है तो z कितना होगा, 40 डिग्री। तो अपन डायरेक्ट लिख देंगे z इज इक्वल टू 40 डिग्री और रीजन लिख देंगे ऑपोजिट एंगल। तो देखो पहले अपन ने क्या किया, पहले अपन ने ऑपोजिट एंगल का एक कॉन्सेप्ट लगाया, उससे y की वैल्यू निकाली। फिर अपन ने लीनियर पैर वाला कॉन्सेप्ट लगाया, उससे अपन ने x की वैल्यू निकाली। और फिर अपन ने वापस कौन सा कॉन्सेप्ट लगा दिया, ऑपोजिट एंगल वाला, उससे अपनी कौन सी वैल्यू आ गई, z की वैल्यू आ गई। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 का, एग्जांपल नंबर 3 का सॉल्यूशन हो गया। अब अगला क्वेश्चन पढ़ो, एन एंगल इज अ हाफ ऑफ इट्स सप्लीमेंट्री एंगल, देन फाइंड वैल्यू ऑफ ईच एंगल। तो ये क्या बोल रहा है कि जो एक एंगल है वो क्या है, हाफ ऑफ इट्स सप्लीमेंट्री एंगल। तो देखो सप्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं, पहले तो मैं ये आपको वापस एक बार बता देता हूँ। सप्लीमेंट्री एंगल ये होते हैं कि कोई भी दो एंगल, एंगल ए और एंगल बी, इन दोनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री। ठीक है, अब बोला है एन एंगल इज हाफ ऑफ इट सप्लीमेंट्री एंगल, तो अपन मान लेते हैं कि लेट वन एंगल बी 2x, एक एंगल को अपन ने मान लिया 2x, तो दूसरा क्या होगा उसका हाफ, तो 2x का हाफ क्या होगा, अदर वन विल बी x। देखो ये डबल, देखो ये इसका हाफ हुआ। ठीक है, अब उस उन दोनों, वो दोनों क्या है, सप्लीमेंट्री एंगल है, मतलब इन दोनों का सम क्या है, 180 डिग्री। तो 2x plus x is equal to 180 डिग्री, तो 3x की वैल्यू कितनी आ गई, 180 डिग्री। तो x की वैल्यू आ जाएगी 180 डिग्री डिवाइड बाय 3, तो x की वैल्यू आ जाएगी 60 डिग्री। ठीक है, अब x एक एंगल तो 60 है, दूसरा एंगल क्या है 2x, तो 2 into 60 तो आ जाएगी 120 डिग्री। तो लिख देंगे वन एंगल इज 60 डिग्री एंड अदर वन इज 120 डिग्री। तो एक एंगल तो क्या आएगा 60 डिग्री और अदर एंगल क्या है 120 डिग्री। देखो बस इसमें सप्लीमेंट्री एंगल बोला था, तो अपन ने सप्लीमेंट्री एंगल का कॉन्सेप्ट लगा दिया। फिर उसने बोला कि एक एंगल क्या है, दूसरे का हाफ है, तो एक एंगल को अपन ने क्या मान लिया 2x, तो दूसरा क्या हो जाएगा उसका हाफ, मतलब x। तो ऐसे करेंगे तो अपना आंसर आ जाएगा। हाँ, तो देखो ये एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन, इफ एंगल 2x plus 4 एंड एंगल x minus 1 फॉर्म अ लीनियर पेयर देन फाइंड आउट द मेजर ऑफ ईच एंगल। तो देखो ये दोनों एंगल क्या बना रहे, लीनियर पेयर बना रहे, क्या बना रहे, लीनियर पेयर। ठीक है, तो अपन को क्या निकालना है, दोनों के एंगल्स निकालने। ठीक है, तो अपन को पता है कि लीनियर पेयर की डेफिनेशन क्या होती है, लीनियर पेयर का मतलब होता है कि दोनों एंगल्स का जो सम है वो क्या होना चाहिए, 180 डिग्री। फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन, ठीक है, दोनों का सम कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। तो देखो 2x plus x कितना हो जाएगा, 3x plus 4 में से 1 गया तो 3 is equal to 180 डिग्री। ठीक है, तो 3x ये प्लस का इधर आएगा तो माइनस का, तो 180 में से 3 गए तो 180 डिग्री माइनस 3 डिग्री, 3x की वैल्यू आ जाएगी 177 डिग्री। तो x की वैल्यू आ जाएगी 177 डिग्री बाय 3। तो इसको सॉल्व करेंगे तो अपना आंसर आ जाएगा 59 डिग्री। ठीक है, तो x की वैल्यू तो आ गई 59 डिग्री, बट ये अपना फर्स्ट एंगल नहीं होगा। फर्स्ट एंगल तो क्या गिवन है अपन को, 2x plus 4। तो देखो 2 into x की वैल्यू 59, पहले तो लिख दो 2x plus 4, 2 into 59 plus 4, तो 59 into 2 कितना हो जाएगा, 118 डिग्री plus 4 that is 122 डिग्री। तो एक एंगल तो कितना आ गया अपना, 122 डिग्री। दूसरा एंगल क्या गिवन है अपन को, x minus 1, तो दूसरा एंगल निकाल लेंगे x minus 1, x की वैल्यू कितनी आई अपनी 59, तो 59 में से 1 गया तो 58 डिग्री। दूसरा एंगल कितना आ गया अपना 58 डिग्री, पहला एंगल आया था 122 डिग्री। तो ये क्वेश्चन का आंसर ये हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन क्या कि मैंने देखो, इन फिगर
ड्राइंग अभी चलो पहले फिगर बना देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि फिगर क्या है। देखो ये क्वेश्चन, ये ऑलरेडी गिवन है आपको फिगर, इसको पी, ये क्यू, ये आर, ये एस और ये टी, ये फिगर आपको गिवन है, ठीक है। उन्होंने बोला है कि जो पी क्यू आर, मतलब ये वाला एंगल और पी आर क्यू, ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल क्या है, बराबर है। देन प्रूव दैट एंगल पी क्यू एस, जो ये वाला एंगल है बार वाला, और पी आर टी, ये क्या है, बराबर है। तो इसको अपन को प्रूव करना है। देखो प्रूव कैसे करेंगे, देखो अपन को पता है कि ये दोनों एंगल बराबर है, ठीक है। तो और ये एंगल क्या है, पी आर पी क्यू एस, ठीक है। इस एंगल को अपन कोई भी नाम दे देते हैं, मतलब नॉर्मली जो इसका नाम है वही रहने दो एक बार। तो इन दोनों का सम 180 होगा। देखो ये आप समझ रहे हो गए, एंगल पी क्यू आर, पी क्यू आर प्लस एंगल पी क्यू एस प्लस एंगल पी क्यू एस इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये मैंने कैसे लिखा, क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन पे जो भी एंगल बनते हैं उनका सम कितना होता है, 180 डिग्री। ये क्या प्रॉपर्टी है, लीनियर पेयर की प्रॉपर्टी है, लीनियर पेयर, ठीक है। अब इस पॉइंट की बात करते हैं, तो इस पॉइंट में भी दो एंगल बन रहे हैं, एक तो ये वाला एंगल और एक ये छोटा वाला एंगल। तो एंगल पी आर टी, बड़ा वाला एंगल तो ये हो गया, प्लस एंगल छोटा वाला एंगल कौन सा हो गया, पी आर क्यू, एंगल पी आर क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन सेम ही रहेगा, क्या कि दोनों क्या है, लीनियर पेयर है, ठीक है भाई। अब देखो दोनों 180 डिग्री के बराबर है, मतलब ये दोनों इक्वेशन एक दूसरे के बराबर हो जाएगी। तो मैं एक बार इस डायग्राम को रख कर देता हूँ, या एक बार चलो, ये दोनों 180 डिग्री के बराबर है, तो ये आ जाएगा एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल पी क्यू एस बराबर इसके हो जाएगा एंगल पी आर टी प्लस एंगल पी आर क्यू। क्यों, क्योंकि ये दोनों 180 डिग्री के बराबर है, मतलब ये दोनों इक्वेशन आपस में भी बराबर है। अब अपन को क्वेश्चन में एक कंडीशन गिवन है, क्या कंडीशन गिवन है, कि एंगल पी क्यू आर है वो किसके बराबर है, एंगल पी आर क्यू के। तो एंगल जो पी क्यू आर है, ये पी क्यू आर कहाँ गया, पी क्यू आर, इसकी वैल्यू किसके बराबर है, एंगल पी आर क्यू की। तो एंगल पी आर क्यू लिख दिया भाई, इसकी जगह अपन ने ये लिख दी, प्लस एंगल पी क्यू एस इज इक्वल टू एंगल पी आर टी प्लस एंगल पी आर क्यू, बाकी सब अपन ने एज इट इज लिख दिया, ठीक है। अब देखो ये पी आर क्यू है, इस तरफ भी पी आर क्यू है, तो ये इधर प्लस का है, इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो एंगल पी आर क्यू ये वाला आ गया, प्लस एंगल ये वाला लिख रहा हूँ अब मैं पी क्यू एस, अब ये इधर प्लस का था, इधर आएगा तो एंगल माइनस का हो जाएगा, पी आर क्यू बराबर एंगल पी आर टी। अब आप एक चीज देखो, ये एंगल और ये एंगल तो बराबर ही है ना, पी आर क्यू है और ये भी पी आर क्यू, तो ये दोनों बराबर है। तो अपने लास्ट में बचा गया एंगल पी क्यू एस बराबर एंगल पी आर टी। तो देखो क्वेश्चन में क्या प्रूव करना गिवन था अपन को, कि एंगल पी क्यू एस को किसके बराबर प्रूव करना है, एंगल पी आर टी के। तो अपन प्रूव कर देंगे, लास्ट में लिख देंगे हैंस प्रूव्ड, और लिख देंगे एंगल ये वाला लाइन वापस लिख देंगे कि एंगल पी क्यू एस इज इक्वल टू एंगल पी आर टी। तो देखो इस क्वेश्चन में क्या गिवन, क्या करना था अपन को, क्या दिमाग लगाना था, कि ये दोनों एंगल क्या है, लीनियर पेयर है। अगर ये दोनों एंगल लीनियर पेयर है तो ये दोनों इक्वेशन क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। तो इक्वेशन बराबर हो जाएगी, फिर अपन को क्या, एक कंडीशन क्या गिवन थी, क्वेश्चन में गिवन थी, उस कंडीशन को अपन ने यूज किया, इधर ये प्लस का था, इधर आया तो माइनस का, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल, ये दोनों कैंसिल हुए तो अपना आंसर आ जाएगा।